जब भी कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो कभी भी वो अपनी जो रियल आईडी होती है उस पर जो इशू सिम होते हैं उसे यूज नहीं करता है। यानी कि हो सकता है कि जो आपकी आईडी है, जो आपका आधार कार्ड है, उस पर उसने कोई सिम परचेस किया हो तो उसे यूज कर सकता है। तो यहाँ पर जब भी कोई वो क्राइम करेगा तो वो जो नंबर है वो आपके आधार से लिंक है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उससे वो इशू करवाया गया है। तो अगर वो क्राइम करता है तो पुलिस आपको उठाकर ले जाएगी और फट्टे आपके बजाएगी। तो इससे कैसे बच सकते हैं उसी पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपके आधार कार्ड से बहुत सारे सिम अगर इशू हो चुके हैं तो आपको कैसे पता करना है कि कितने सिम मेरे आधार से जो है लिंक है, यानी कितने जो है मेरे आधार कार्ड इशू करवाए गए हैं और कैसे आप उसे ब्लॉक करवा सकते हैं, तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जाना है आपको ब्राउजर और यहाँ पर आपको सर्च करना है टैपकॉप। जैसे आप इसे सर्च करेंगे इसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट है उसे ही आपको ओपन करना है, यानी कि टैपकॉप संचारसाथी.gov.in, यानी कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर जो स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फोन नंबर पूछेगा, तो आपका जो नंबर है वो आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए, तो वही नंबर आपको यहाँ पर जो है फिलअप करना है। जैसे आप फोन नंबर को आप फिलअप करते हैं इसके बाद आपको कैप्चा फिलअप करने के लिए बोलेगा जो कि यहाँ पर है, इसे ही आपको यहीं पर आपको टाइप कर देना है और इसके बाद आपको वैलिडेट कैप्चा पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट कैप्चा पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन कर देना। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको सारे नंबर यहां पर शो कर देगा जो आपके आधार कार्ड से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड हैं। तो आपको यहां पर सबसे पहले तो फाइंड करना है कि आपके नंबर कौन कौन से हैं जो आपके पास हैं और कौन सा इसमें से अनोन नंबर है जो कि आप नहीं जानते हैं, तो उसे आपको यहाँ पर ब्लॉक कर देना है। यानी कि उसे आपको सबसे पहले यहाँ पर कैसे आपको रिपोर्ट करना है तो वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले उस नंबर पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको नॉट माई नंबर आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये नंबर है गवर्नमेंट इसे ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ दिन के बाद इसे बैन कर देगी। आपको एक जो है ट्रैक नंबर भी आपको दिया जाएगा, यानी कि रिक्वेस्ट नंबर भी आपको जो है मैसेज में आ जाएगा और ये जो नंबर है कुछ टाइम के बाद इसे गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड से जो भी अनोन नंबर जो लिंक है, यानी कि जो भी अनोन नंबर किसी ने परचेस किए हैं उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हैं और आप कोई भी क्राइम में आप जो है इन्वॉल्व होने से बच सकते हैं।